आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे गोभी के कुरकुरे पकौड़े की रेसिपी। इस पकौड़े को बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि एक बार आप ये पकौड़ा खा लिए तो इसी तरह से बना के खाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाई हूँ। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोभी लेना है। तो ये बहुत बड़ा है तो मैं इसमें से आधा काट कर इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए आपको जितना बनाना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट ली हूँ और ये आगे की जो डंडियाँ होती है उसे भी थोड़ा सा काट कर हटा दीजिएगा। अब इसे हम उबाल लेते हैं। तो गोभी को काटने के बाद दो तीन बार धो ली थी। अब गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने रख दी थी, उसमें पानी डालकर और इसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दी हूँ। अब पानी में अच्छे से उबाल आने दीजिए। जब पानी अच्छे से उबल जाए तब इसमें जो हमने गोभी को काट के रखे हैं वो डाल देंगे और गैस का फ्लेम तेज़ी रहने दीजिएगा। तेज़ आंच पर गोभी को ढककर और सिर्फ दो मिनट आप उबालिएगा। इसे 40% ही में पकाना है, ज़्यादा मत पकाइएगा। नमक और हल्दी डालकर गोभी को दो मिनट इस तरह से पकाने से ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा और इसमें जो गंदगी कीड़े वगैरह होंगे वो भी अच्छे से निकल आते हैं। तो अगर आप सब्जी भी बनाते हैं गोभी का तो एक से दो मिनट आप गर्म पानी में इस तरह से डालकर और साफ़ कर लीजिएगा गोभी को। तो यहाँ पर ये हो चुका है। तो अब एक छन्नी में इसे हम छान कर निकाल लेते हैं। तो इसे आप चाहे तो फिर से धो सकते हैं, पर मैंने इसे पहले ही दो तीन बार धो ली थी, इसमें कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं थे। सारे गोभी को छन्नी में छानकर और पानी निकलने दीजिए। और यहाँ पर देखिए आधा इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्ची और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली हूँ और यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन ली हूँ, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच सौंफ लेना है और यहाँ पर 12 से 15 करी के पत्ते ली हूँ। अब एक बड़ा बर्तन लेना है जिसमें कि सभी चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा बर्तन ली हूँ और इसमें गोभी को डाल दी हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं पका है, ये 30 से 40% ही पका होगा। तो अब इसमें हम बेसन डाल देते हैं। तो बेसन इसमें आप 4 से 5 छोटा चम्मच डालिएगा। और यहाँ पर देखिए चावल का आटा मैंने मिक्सी में पीस कर तैयार की हूँ। थोड़ा सा चावल ली थी और उसे मिक्सी में डालकर पाउडर तैयार कर ली हूँ। अब इसे 2 चम्मच ही डालना है। अब यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए और यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाली हूँ। अब इसमें मैं 2 चुटकी हींग डाल देती हूँ। गोभी के पकौड़े में हींग को ज़रूर डालिएगा, फिर आप गोभी के पकौड़े खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। अब इसमें जो हमने अजवाइन, सौंफ और कलौंजी ली थी उस सबको हाथों से इस तरह से थोड़ा सा मसल कर और फिर डाल दीजिए। अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची जो लिया था तो उसे कूट के डाल दी हूँ। अब ये करी के पत्ते को इस तरह से बारीक बारीक काट कर और इसमें डाल दीजिए। करी के पत्ते से बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच नमक डाली हूँ और 2 चम्मच यहाँ पर सरसों का तेल। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। अब यहाँ मैं 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल दी हूँ और इसमें 1/2 छोटा चम्मच डाल देते हैं ये गरम मसाला। अब सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अभी पानी मत डालिएगा। पहले सभी को मिक्स कर लीजिए और इसमें लगेगा कि पानी डालना है, फिर आप छीटे मार मार के इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं मिला ली हूँ, पर ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। तो इस तरह से हाथ में थोड़ा सा पानी लेते हुए और छींटे मार मार के थोड़ा सा ही पानी डालिएगा। इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बस पानी इतना डालना है कि जो हमने इसमें बेसन और चावल का आटा डाला है वो अच्छे से गोभी के साथ चिपक जाए, बस इतना ही पानी आपको डालना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और अच्छे से सभी मसालों के साथ बेसन के साथ गोभी को मिक्स कर ली हूँ। और जब आप इसमें बेसन वगैरह डालें उसी समय गैस पर कढ़ाई में तेल को गर्म होने डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। जब तेल गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम आपको मीडियम कर देना है। इस पकौड़े को मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, लो फ्लेम कीजिएगा तो ज़्यादा तेल पी लेगा और हाई कीजिएगा तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके आप इसे डाल दीजिएगा। तो जितने आ सकते हैं कढ़ाई में उतने मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और कुछ देर इसे इसी तरह से पकने दीजिएगा। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा तेल कढ़ाई में भर कर भी पका सकते हैं या फिर थोड़े तेल में भी ये पकौड़े बन जाते हैं।
कुछ देर एक तरफ से पकने के बाद जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जब आप चेक कीजिएगा तो ऊपर से भी ये एकदम ड्राई हो जाएगा, तब इसे आप पलटिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी को एक एक करके पलट देती हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, ये ऊपर से भी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। और इसे जब तक इस तरह का ना हो जाए तब तक आपको फ्राई करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे गोभी के पकौड़े बहुत ही अच्छे से बन गए हैं और ये अंदर तक एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसे मैं कढ़ाई में से निकाल लेती हूँ। तो इसे कढ़ाई में से निकालने के बाद एक छन्नी में इस तरह से रख दीजिए ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो सभी निकल जाए, इसमें ज़्यादा तेल ना रहे। इसी तरह से मैं बाकी के पकौड़े को भी तल लूँगी। तो ये पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इसी तरह से बाकी के पकौड़े भी हम बना लेंगे। तो इसे इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा एकदम चटपटा क्रिस्पी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था खाने में। तो एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ गर्मा गर्म ही खाएं। मैं यहाँ पर टमाटर केचप के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। और अगर इस पकौड़े को और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो जब इसमें हमने मसाले डाले थे उसी समय इसमें आप 2-3 प्याज काट के डाल दीजिएगा और प्याज और गोभी के एक साथ बनाइएगा तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी एक बार इस गोभी के चटपटे टेस्टी पकौड़े को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।